राम राम। मैं पंडित अरविंद तिवारी सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने नया विषय लेकर उपस्थित हूँ, क्या हमें घर में तोता पैरट पालना चाहिए? शुभ होता है घर में पालना, क्या अशुभ होता है? किसको तोता पालना चाहिए, किसको नहीं पालना चाहिए, क्या है सच्चाई? देखिए, जो तोता जीव है वह बुद्ध के साथ संबंध रखता है। पक्षी धरती में सिर्फ एक ऐसा जीव या पक्षी कहें है जो इंसान की आवाज की नकल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बोलते हैं मिट्टू चूड़ी खानी है, तो वो बोलेगा मिट्टू चूड़ी खानी है, मतलब कमाल है ना, कि कोई ऐसा पक्षी जो इंसान की आवाज निकाल सके, ये प्योर रूप है। क्योंकि बुद्ध को कहा जाता है अकल की नकल करने वाला, और आज के समय में लोग अकल की नकल करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा नकल चीज जो है वो तोता है। दूसरा उसका हरा रंग, ये दो चीजें मिलकर बहरूपियापन यानी कि जो बुद्ध का है और हरा रंग मिलकर शुद्ध रूप तोते का, पक्षी जो बनता है वो बुद्ध का है। अब कोई भी पक्षी कैद करना, देखिए ये कानूनन तौर पर भी गलत है, और हम इंसान हैं, हमें ये बात से शोभा भी नहीं देती, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अब ज्योतिषीय विवेचन के साथ अगर बात करें ना, किसी भी पक्षी को कैद करना, खास तौर पर बुध को यानी के तोते को, जब हम पिंजरे में डालते हैं तो पिंजरा राहु का है, जब उसमें तोता डाला तो ये बुध और राहु का मेल बन गया। बुध और राहु का जो मेल होता है ना, ये डिप्रेशन देता है, मानसिक तौर पर इंसान को वीक करता है, जेल खाना, पागल खाना, वीराना, ये तीन चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसान को अपनी बुद्धि का साथ नहीं मिलता, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे इंसान की जो कि घर में तोता पालते हैं, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनकी उस घर की बेटियां परेशान रहती हैं, व्यापार ढंग से नहीं चल पाता, तो इतनी परेशानियां मिलती हैं जब बुध की खराबी हो। अगर बुध की खराबी हो, ऊपर से तोता घर में पाल लिया जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, जिंदगी नरक के समान होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, जिनका भी बुध खराब हो, यानी कि आपके खाना नंबर बुध हो 3 में 8 में 9 में 11 में 12 में, तो तोता मत पाले। साधारण तौर पर कहूं तो बुध किसी भी खाने में हो, घर में तोता मत पाले, ना ही तोते का स्टैचू रखें, यही शुभ है। क्योंकि तोते में वह एनर्जी होती है जो उजाड़ मांगती है, प्रेम का प्रतीक जरूर होता है तोता, ठीक है, पर लेकिन इससे बचें। तोता घर में रखना कभी भी शुभ नहीं है, और तोते का स्टैचू रखना कभी भी शुभ नहीं है, ठीक है। तो सच्चाई यही है, आपको घर में तोता नहीं पालना चाहिए। किसी भी पक्षी के अधिकार नहीं छीनने हैं, जो हमारे समकालीन जानवर हैं जैसे या पशु पक्षी हैं, उनको कैद नहीं करना चाहिए। हर किसी को आजादी प्यारी है, ठीक है। तो मेरा सुझाव यही है, अगर आपका बुध खराब है, जैसे मैंने खाना नंबर बताए, तो बिल्कुल जहर समान है। अगर नहीं खराब है तो आप बेवजह बुध राहु का योग मत बनाइए, तोता मत पालिए। इंसानियत के नाते या कानूनी तौर पर कहूं तो किसी भी पक्षी को कैद मत करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी।